So many things I do, and girl, you never wanna judge. But maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way. Hello friends, welcome to my channel Every Day with Richa. This is all about DIY decor and gardening. कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद डाल रही हूँ और ये वीडियो मेरे को बहुत, मेरे लास्ट वीडियो में एक मेरे व्यूअर ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने प्लांट स्टैंड्स के बारे में बताएं। मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट स्टैंड्स तो नहीं है, लेकिन जो तीन चार हैं मैं आज आपको उनके बारे में बता रही हूँ। मेरा पहला स्टैंड है ये साइकिल स्टैंड, जो मेरे लिविंग रूम में रखा हुआ है और ये मुझे गिफ्टेड है, पर इसके कॉस्ट आई गेस 800 से 900 के करीब होनी चाहिए। इसमें मैंने तीन प्लांट्स लगा रखे हैं और ये तीनों इंडोर प्लांट्स हैं। इसमें पहला है क्रोटन, दूसरा है एग्लिनोमा और तीसरा भी क्रोटन ही है, गोल्डन डस्ट क्रोटन है ये। और मेरे बाकी स्टैंड जो है वो मेरे टेरेस गार्डन पर रखे हैं, तो चलिए मैं उनके बारे में भी बता देती हूँ। और ये है मेरा दूसरा स्टैंड जो मैंने टेरेस गार्डन पर रखा हुआ है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, मेरे पास स्पेस की कंस्ट्रक्शन है इसलिए मैंने इसे अपने टेरेस गार्डन पर रखा हुआ है। और ये विद बास्केट, जितने भी इसमें 12 बास्केट हैं इसमें, और ये पूरा स्टैंड 2000 का मिला है। इसमें हम हैंगिंग प्लांट्स भी लगा सकते हैं और जैसे मैंने छोटे छोटे फ्लावरिंग प्लांट्स लगा रखे हैं वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे ऊपर है ये गजानिया, मेरे गजानिया अभी थोड़े ब्लूम कर रहे हैं, अभी देख सकते हैं ये कुछ इसमें स्पेंट हो चुके हैं। स्पेंट फ्लावर्स को आप हमेशा निकाल दीजिए। ये गजानिया है सबसे ऊपर वाली चार जो बास्केट हैं, और इधर वाला गजानिया सूख गया था तो वो मैंने निकाल दिया है। उसके बाद है नीचे मैं विंका की पौध लगाई है, ये विंका है, ये वाइट वाला है, इसके बीच में एक छोटा सा पिंक स्पॉट है इसलिए थोड़ा वाइट से अलग दिखता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद था। एक ये लाइट पिंक है, शायद आपको कलर इसमें अभी वाइट दिख रहा हो, आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये लाइट पिंक है और इसके अंदर छोटा सा ये पिंक डॉट है। और इधर अभी एक और इसमें मेरा पेटूनिया थोड़ा सा ब्लूम कर रहा है, ये देखिए अभी इसमें एक दो फ्लावर आ जाते हैं, तो अभी मैंने इसे निकाला नहीं है। और उसके नीचे सबसे नीचे वाले उसमें है पर्पल हार्ट, ये थोड़ा सा अभी डस्टी हो गया है। एक्चुअली मेरा घर बिल्कुल मेन रोड पर है तो मैं कितना प्लांट्स को साफ़ कर लूँ, शाम तक वो फिर गंदे ही हो जाते हैं। तो ये पर्पल हार्ट है सबसे नीचे, ये देखिए ये शेड में चलने वाला बहुत सुंदर प्लांट है, ये किसी फ्लावर से कम नहीं लगता, जब ये पूरी बास्केट भर जाएगी तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ये है मेरा सेकेंड स्टैंड, और एक स्टैंड और दूसरा स्टैंड मैं आपको अब दिखाती हूँ। यह है मेरा थर्ड स्टैंड, ये मैंने बहुत पहले अपने लोकल यहाँ मार्केट से बनवाया था अपने इसके हिसाब से। ये पहले मैंने अपने बालकनी गार्डन के लिए बनवाया था लेकिन वहाँ पर अब स्पेस नहीं है तो अब मैंने इसलिए इसे टेरेस गार्डन पर शिफ्ट कर दिया है। तो इस पर सुबह की धूप पड़ती है और उसके बाद इस टाइम इस पर छांव आ जाती है। तो आइए देखिए इस पर मैंने क्या क्या रखा हुआ है। इस पर मैंने ये टोपियारीज रखी हुई हैं जेड की, ये है पिकॉक टोपियारी, अभी ये थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, हल्का सा यहाँ ऊपर कर्व देना रह रहा है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जेड टोपियारी है, ये मैं एक आर्क बना रही हूँ बुद्धा के ऊपर। उसके बाद ये हेवोर्थिया हैं, ये अभी मैंने इनके बेबी प्लांट अलग किए हैं, और ये पॉट DIY हैं, DIY कुल्हड़ जो आते हैं ये, उसको मैंने DIY करके ये पॉट बनाया है। उसके बाद नीचे एक ये टेराकोटा का सन है, ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, इसे मैंने पेंट किया है। उसके नीचे नेक्स्ट ये जेड की टोपियारी है, ये भी मैंने, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस थोड़ी सी फिनिशिंग देनी बाकी है। पीछे ये फर्न एस्पेरेगस की वेराइटी है, ये एक मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है। उसके बाद ये जेड की कटिंग्स मैं यहाँ वहाँ लगाती रहती हूँ। ये एक और हेवोर्थिया, ये पीछे स्पाइडर प्लांट हैं, ये भी नीचे सब स्पाइडर प्लांट हैं एंड हेवोर्थिया, और लास्ट में वहाँ पीछे इसे फिटोशिया आई गेस कुछ कहते हैं, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये है मेरा थर्ड स्टैंड। उसके बाद ये है मेरा थर्ड स्टैंड, ये इस टाइम फुल धूप में रहता है, इसमें
आप ये देखिए, मैंने पॉटरी लाकर की बास्केट लगाई है। ये देखिए, इसमें ऐसे नीचे की तरफ जब ड्रॉप करता है और इसमें फ्लावर खिलेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और इसमें नीचे ये चेन प्लांट सबसे पीछे लगा हुआ है। ये एक साइकिल स्टैंड मेरा नीचे रखा हुआ है मेरे लिविंग रूम में, और एक ही यहाँ है। तो ये मैंने लाजपत नगर से लिया था, आई गेस 800 का। तो ये मेरे पास तीसरा स्टैंड है। उसके बाद मेरे पास जो स्टैंड है वो ये नॉर्मल जो आप देख रहे हैं, मैंने ये नीचे प्लांट्स के नीचे लगे हुए हैं, ये मैंने यहाँ लोकल मार्केट से बनवाए थे। इस तरह के मेरे पास तीन स्टैंड हैं और मैं अभी और स्टैंड बनवाने वाली हूँ। ये जो स्टैंड है, एक स्टैंड ये मेरे ख्याल से 3 फुट का है और ये 1000 का वन स्टैंड पड़ा था मुझे उस टाइम। अब मैं ये जल्दी ही इसमें स्टेप वाइज बनवाने वाली हूँ। मैं जल्दी जब वो करूँगी तो मैं वो सेटअप भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थे मेरे पास इस टाइम स्टैंड्स हैं प्लांट्स के लिए, उनके बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा सा आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।